लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तस्वीर में नजर आ रहे इस अभिनेता को आपके तमाम फिल्मों में देखा होगा, लेकिन क्या आप इनका नाम जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि वे अब तक 1000 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं? तो चलिए ब्रह्मानंदम कंगंती के बारे में आपको कुछ मजेदार बातें बताते हैं जो आपको शायद ही मालूम हो। वे तकरीबन 31 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उन्होंने लोगों का खूब सम्मान और प्यार पाया है। वे अपने माता पिता के सातवें बेटे हैं और उनके पास बेहिसाब संपत्ति है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मानंदम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है? यह रिकॉर्ड उनके द्वारा की गई फिल्मों के लिए ही है। ऐसी कम ही तेलुगु फिल्में हैं जिनमें वे नजर नहीं आए हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मानंदम को 2009 में पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है? अवार्ड उन्हें कला के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया था। यह अलग बात है कि उनकी वास्तविक जिंदगी भी फिल्मों की तरह ट्विस्ट आ गया। असल में उन पर अपने इस अवार्ड का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगे और उनसे यह अवार्ड वापस करने के लिए कहा गया। हालिया फिल्मों की बात करें तो वे फिल्म खिलाड़ी नंबर 150 और सरानी ओगडू में नजर आ चुके हैं। जहां तक फिल्मों के लिए उनके द्वारा चार्ज की जाने वाली फीस की बात है तो बता दें कि वे एक फिल्म के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। फिल्मों के इस मशहूर कलाकार के बारे में कम ही लोग जानते हैं कि वे एमए तक पढ़े हैं और पहले वे तेलुगु भाषा के टीचर थे।